नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक युवक ने प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को आशंका है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते इस तरह का कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने देर रात फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि युवक की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। वहीं युवक का पहले किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हो चुकी है। लड़का प्रेमिका की शादी के बाद से ही तनाव में चल रहा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि इस तरह का कदम उठा लेगा। लड़की की आत्महत्या की खबर सुनने के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। इधर जांच अधिकारी का कहना है कि युवक का नाम मनीष वैष्णव है, जो निजी कंपनी में नौकरी करता था। फिलहाल प्राथमिक जांच में कोई सुसाइड नोट हाथ नहीं लगा है, लेकिन प्रेम प्रसंग की बात पर विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। मेरा भांजा है मनीष वैष्णव। सवेरे 5:30 बजे दरवाजा खोला, उस वक्त मेरी छोटी वाली बहन जो जिसका लड़का है बाहर गए थे राजस्थान, जैसे वो आए दरवाजा खोला तो ये लटका हुआ मिला, फांसी लगा दी, गले में फंदा था उसके। अभी तो कुछ कारण मालूम नहीं पड़ता है, कुछ परेशानी किसी तरह का स्ट्रेस टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नौकरी जॉब अच्छी कर रहा हो का तो चल रहा था, लेकिन वो तो कब से खत्म हो चुका था। उसके कारण कहीं स्ट्रेस में था, लड़की का दबाव या परिवार शायद, कुछ पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन अनुमान है कि थोड़ा बहुत किसी से शेयर करता था इस तरह की चीज़ें जो परिवार में। नहीं नहीं, पिछली बार हुआ था ऐसा, तो फिर मैंने काफ़ी बैठ कर समझाया, तो उनके पापा शांत हो चुके, लड़के के पापा जी शांत हो गए, वो मेरे छोटी बहन के घर वाले थे। अच्छा। तो मैं ही संभालता था बच्चे को, तो आपसे चर्चा करता था। हाँ, बोला मामा मिलकर बेटा दिवाली बाद शादी है, अपन शादी करेंगे बड़े धूमधाम से। शादी होने वाली थी? हाँ, दिवाली का मतलब रिश्ता पक्का हो गया। हाँ। दूसरी जगह? दूसरी, मैंने कही थी। क्या लगता है? अभी तो एकदम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है वो रिटर्न दिमाग में वो चीज़ बैठी हो। क्या लड़की की शादी हो गई थी? हाँ, उसकी शादी। क्या नाम लड़की का? नाम नहीं, नहीं, लड़के का नाम क्या था? मनीष वैष्णव। कितनी उम्र, क्या करते थे? मनीष वैष्णव 24 वर्ष और मार्केटिंग का काम करते थे। सर, क्या लगता है आपको प्रेम प्रसंग के बारे में, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो आपसे कभी किसी इस बारे में कभी बैठ के बात करी कि मुझे तकलीफ है या कुछ तकलीफ भी बताई गई आपके? नहीं नहीं, आर्थिक तकलीफ कुछ नहीं, मेरा पूरा सपोर्ट। और प्रेम प्रसंग के मामले में उस वक्त ही सब बातचीत बैठ कर हो गई, बोले मामा कुछ नहीं, आप जहाँ बोलोगे वहाँ शादी कर लूँ। मेरा नाम किशन दास वैष्णव। आपके नाम 10/8/2021 को 9/8 मिली थी डबल मृतक मनीष पिता गणेश दास वैष्णव, उम्र 24 वर्ष, निवासी 8/3 तिलक नगर मेन रोड, अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो मामला जांच पर पीएम फॉर्म के भेजा गया। सर, क्या कारण क्या है परिजन? अभी कारण कोई स्पष्ट नहीं है, जांच पर से ही स्पष्ट किया जाएगा। परिजनों से पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया? परिजनों ने अभी चिंता मामला था, किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट भी बरामद? सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई बरामद नहीं हुआ। परिवार एक दिन में क्या बताया? सर, परिवार ने अभी कोई जांच की बात ही बता पाएंगे, स्पष्ट नहीं मिला। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल